Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture series of topology. Today the topic of my discussion is this theorem. ये theorem क्या state करता है कि अगर आपके पास एक topological space मौजूद है और इसकी कोई subspace आप लेते हो और इस subspace की further कोई subspace आप लेते हो तो ये जो subspace y की है ये x की subspace भी बनेगी. ठीक है, तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे देखा जाएगा कि y के अंदर जो ओपन होंगे वो बेसिकली वो होंगे जो x के किसी ओपन और y के इंटरसेक्शन में लिखे जा रहे होंगे और a के अंदर जो ओपन होंगे वो बेसिकली a और y में पाए जाने वाले किसी की ओपन सेट की इंटरसेक्शन में लिखे जा रहे होंगे. तो हम साबित करेंगे कि a में जो ओपन है वो a और x के किसी ओपन सेट के इंटरसेक्शन में भी लिखे जा सकते हैं, तभी वो सबस्पेस ऑफ x बनेगी. इसका प्रूफ देखते हैं. लेट x टॉ x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट y बी अ सबस्पेस ऑफ x एंड a बी अ subspace of y. To prove what should we prove? A is a subspace of x. ठीक है, और इस बात को यूज कर लेंगे हम ये जो चीजें हमने दी हुई हैं. तो अब अगर a को x की सबस्पेस प्रूव करना है तो साबित करना है कि a के अंदर जब a की टोपोलॉजी में कोई आर्बिट्रेरी सेट जब चूज किया जाए तो वो ए और एक्स के किसी ओपन सेट की इंटरसेक्शन में लिखा जा सकता है. अब अगर बी बिलोंग करता है टाउ सब ए से, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि ए सबस्पेस है वाई की, ये बात गिवन है, तो बी इज इक्वल टू बी वन इंटरसेक्शन ए देयर. और ये बी वन क्या है? वेयर बी वन इज ओपन इन y की जो टोपोलॉजी है उसके लिहाज से बी वन ओपन है और y की टोपोलॉजी आप जानते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी. वेयर बी वन इज ओपन इन y. ठीक हो गया. एज बी वन, बी वन अगर ओपन है वाई के अंदर, एज बी वन इज ओपन इन वाई और वाई के पर सबस्पेस टोपोलॉजी मौजूद है तो इसका मतलब बी वन को आप लिख सकते हो बी टू इंटरसेक्शन वाई. और ये बी टू क्या होगा? वेयर बी टू इज ओपन इन एक्स बिकॉज टोपोलॉजी ऑन वाई इज सबस्पेस टोपोलॉजी. सो एवरी ओपन सेट इन वाई इज इंटरसेक्शन ऑफ वाई विद सम ओपन सेट इन एक्स. ठीक हो गया. देयरफॉर तो ये जो b था ये क्या बन जाएगा? b में b1 की जगह अगर ये डाल दो b2 इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन a. इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं b2 इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन a. अब ये a जो थी वो y की सबस्पेस थी, यानी a y के अंदर से था. दोनों में जब सुपरसेट और सबसेट में कॉमन लिया जाता है, जब इंटरसेक्शन ली जाती है तो जवाब हमेशा सबसेट आता है. तो दिस इज बी टू इंटरसेक्शन ए. ओके, तो हमारा टारगेट क्या था कि जो ओपन सेट था ए के अंदर, यानी कि बी जो लिया था, और ये रीजन इसकी लिखते हैं बिकॉज ए इज कंटेन्ड इन वाई. ठीक है, टारगेट ये था कि जो ओपन सेट ए के अंदर लिया है उस ओपन सेट को इंटरसेक्शन में लिख दो ए और किसी ऐसे सेट की जो एक्स में ओपन हो. सिंस बी टू इज ओपन इन एक्स, इट इंप्लाइज ए इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स. Hence proved.
ठीक हो गया। तो जो ए में ओपन था वो बेसिकली एक्स के किसी ओपन और ए के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, तो इस वजह से वो एक्स की क्या बन जाएगी, एक सब स्पेस बन जाएगी। थैंक यू।